से हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने, जैसे वो रब सजदे से पहले तुम्हें दुआ करना सिखाता है, वैसे ही वो तुम्हारे मांगने से पहले कबूलियत के वसीले बनाता है। तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल देती है। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते, उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठ कर गुजर जाए तो ज़िंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। मैं तेरी ही मोहताज हूँ, तुझ ही से मांगती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। वो मोहब्बत किस कदर पुरखलूस होगी जिसे तहज्जुद में मांगा गया होगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मुकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइश भी बड़ी होती है। मुझे मालूम है उसे कैसे मनाना है, तहज्जुद और कुछ आंसू, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ, उसे वो चीज़ तुम्हें देने पर आमादा करो। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ ताकि वो कुछ फरमा सके और तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सके। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कल और सब्र की बात है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुम सोचा भी ना होगा।